हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू टेकमेंट एजुकेशन एकेडमी। आज के वीडियो में बात करने जा रहे हैं कंपोजिट फंक्शंस के इंट्रोडक्शन की, और ये देखेंगे कैसे कंपोजिट फंक्शंस एक कॉम्प्लेक्स मशीन की तरह वर्क करते हैं। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कंपोजिट फंक्शन क्या है, डेफिनेशन क्या है। व्हेन आउटपुट ऑफ वन फंक्शन बिकम्स द इनपुट टू अ सेकंड फंक्शन। हमने दो फंक्शन लिए, पहले फंक्शन का जो आउटपुट था उसको हमने सेकेंड फंक्शन के इनपुट में दे दिया, तो हम इसे कहते हैं कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। जैसे कि हमारे पास दो फंक्शन है, एक जी फंक्शन है ए से बी इसका चल रहा है और एफ है बी से सी में जा रहा है, और जी का जो डेफिनेशन है वो है एक्स स्क्वायर माइनस टू, एफ का डेफिनेशन है अंडर रूट एक्स। दो हमने फंक्शन ले लिए। सबसे पहले हमने जी को कंसीडर किया, हमने इसमें इनपुट दिया है एक्स का, तो आउटपुट मिलेगा जी एक्स जिसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर माइनस टू। फंक्शन की डेफिनेशन ही बोल रही है कि x square minus 2, अगर x इनपुट करेंगे तो x square minus 2 में आउटपुट मिलेगा। उसके बाद हमने क्या किया कि x square minus 2 जो आउटपुट निकला उसको हमने सेकंड फंक्शन जो f था उसमें इनपुट कर दिया। अब उसमें इनपुट कहां पे किया, जहां पर ये x आ रहा है ये वाला, इस x को हटाकर हमें ये पूरा पूरा यहां पर ये x square minus 2 पुट करना है, ये पूरा पुट करना है, जहां पर x आ रहा है वहां पर x square minus 2 इनपुट करना है। तो जब हम x की जगह पे x स्क्वायर माइनस टू इनपुट करेंगे तो अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर माइनस टू आ जाएगा। अब इसको हम वैल्यू समझते हैं। जैसे हमने मान लीजिए इसमें 3 इनपुट किया तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9, 9 में से 2 कम करो तो कितना आ गया 7, तो यहाँ 7 आउटपुट आया। अब यहाँ से मैंने 7 दिया इसके अंदर तो अंडर रूट 7 आया। अब हमने क्या सोचा कि हम एक ऐसा फंक्शन बनाए जिसमें हम सीधे 3 इनपुट करें और रूट 7 हमें आउटपुट मिल जाए, या हम x इनपुट करें और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस टू आउटपुट मिल जाए, तो बस यही फंक्शन हमारा कहलाता है एफ ओ जी, जिसको हमने नाम दिया है एफ ऑफ जी एक्स। एफ ऑफ जी एक्स क्यों दिया है, क्योंकि एफ के अंदर हमने जी एक्स रखा है, इसलिए इसका नाम हो गया एफ ऑफ जी एक्स, यानी कि एफ के अंदर जी का आउटपुट हमने इनपुट किया है, जी का जो आउटपुट कितना है वो हमने एफ के अंदर इनपुट किया है। अब हम समझते हैं कि ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स मशीन के लिए जी एक सिंपल मशीन है जो हमारे इनपुट एक्स को एक्स स्क्वायर माइनस टू या थ्री को सेवन में कन्वर्ट करती है। दूसरी सिंपल मशीन है जो इसको अंडर रूट में कन्वर्ट करती है, जो भी इनपुट होता है जैसे सेवन का अंडर रूट सेवन या एक्स स्क्वायर माइनस टू का अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस टू। अपने एक बड़ी मशीन बना ली जिसके अंदर दोनों काम हमारे कैसे हो रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं एफ ओ जी, उस मशीन का नाम क्या हुआ है एफ ओ जी। तो ये कॉम्प्लेक्स मशीन हो गई, यानी कि दो सिंपल मशीनों का काम हमारी एक कॉम्प्लेक्स मशीन ने कर दिया। तो इसीलिए वीडियो का हमने टाइटल दिया है कि कंपोजिट फंक्शन एज ए कॉम्प्लेक्स मशीन। तो ये इंट्रोडक्टरी टॉपिक था हमारा। अब इसमें हमें बहुत सारी चीजें देखनी है, जैसे इनका डोमेन क्या होता है, कवरेज क्या होता है, कब दो फंक्शंस को कंपोजिट कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते हैं, कब हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करके फंक्शन को कंपोजिट कर सकते हैं, ये सारी चीजें हमें नेक्स्ट लेक्चर्स पे देखनी है। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर था कंपोजिट फंक्शन के बारे में, नेक्स्ट लेक्चर का वेट करिए, उसमें हम इन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। और उम्मीद है इंट्रोडक्टरी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और बहुत समझ में भी आया होगा, बहुत सिंपल सा है। हमने पहला टॉपिक इसीलिए बहुत सिंपल किया क्योंकि ये काफी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है, तो उसको हम थोड़ा थोड़ा सिंपल सिंपल तरीकों से हम इसको डिस्कस करेंगे ताकि ये थोड़ा सा टफ ना लगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।